हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन में। दोस्तों, मैं सागर आज आपके सामने जीए के आरआरबी एनटीपीसी का जीए का क्वेश्चंस लेके आया हूं। फ्रेंड्स, ये पार्ट 14 है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? ये कौन सी लैंग्वेज थी, कौन सा भाषा था? तो ये था पाली। पाली का प्रयोग किया गया था बौद्धवाद के प्रचार में। नेक्स्ट बात करते हैं, संत कबीर के गुरु कौन थे? तो संत कबीर के गुरु थे रामानंद। रामानंद, संत कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारी क्षेत्र में दिया जाता है, मींस न्यूज़पेपर से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, नमी की माप किस यंत्र द्वारा किया जाता है? नमी का माप किससे मापते हैं? ये मापते हैं फ्रेंड्स हम हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, नमी को मापते हैं, ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को हर एक साल मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। उंगली की नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है? उंगली की नाखून में कैरोटीन होता है। कैरोटीन क्या है? एक तरह का प्रोटीन है जो कि हमारे फिंगर्स के जो नेल होता है उसमें पाया जाता है। हर्ष का राज कवि कौन था? हर्ष का राज कवि वानभट्ट था। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन है? भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र है डिगबोई। ये कहां है फ्रेंड्स? डिगबोई है। ये कहां है? तो ये आपके असम में है, डिगबोई। ऑयल रिफाइनरी है भारत में सबसे पुराना, ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया। नेक्स्ट है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है, कौन सा ग्रंथि करता है? तो इसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि क्या करता है? आपका रक्तदाब, ब्लड प्रेशर को क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो फ्रेंड्स, ये था आरआरबी एनटीपीसी का पार्ट 14 के टॉप 10 जीए क्वेश्चन, जो कि आपके प्रीवियस इसमें पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोज आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।